हाय गाइस, माय नेम इज़ अनुज जिंदल। वेलकम टू माय चैनल। यूजीसी नेट जून 2019 का रिजल्ट आ चुका है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड आउट द रिजल्ट, क्योंकि वो वेबसाइट पर बहुत अंदर डाल जाकर दिया हुआ है, मेन होम पेज पर नहीं मिलेगा। सो आई हैव सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर यू। तो आपको क्या करना है, लेट मी टेक यू टू द लिंक थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले anujjindal.in पर जाएंगे, www.anujjindal.in। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देर आर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उस लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में NTA NET JRF से रिलेटेड जून 2019 रिजल्ट आउट का एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे। एज सून एज यू क्लिक ऑन दैट, यू विल बी टेकन ऑन अनदर पेज जहाँ पर NTA NET का डायरेक्टली लिंक डाला हुआ है। तो क्योंकि NTA NET की वेबसाइट पे डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो वो लिंक निकाल के मैंने आपके लिए यहाँ पर डाल दिया है। आपको बस यहाँ पर चेक नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप NTA NET JRF रिजल्ट आउट चेक नाउ पर क्लिक करेंगे, यू विल बी टेकन डायरेक्टली टू दैट वेबसाइट पेज NTA NET का ऑफिशियल, जहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, UGC NET जून 2019। ये क्लिक करना है आपको, और आपको ये दो चीज़ें डालनी है, एप्लीकेशन नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर अवेलेबल है और डेट ऑफ बर्थ, और फिर ये कैप्चा डालना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इट इज़ ऑफिशियल नाउ। बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया है, बट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, क्योंकि मैंने खुद रिजल्ट हमारे कुछ स्टूडेंट्स के डालकर चेक किए हैं। द रिजल्ट्स हैव बीन पॉजिटिव, सबको JRF मिला है, एंड रिजल्ट हैज़ बीन वेरी गुड। तो रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज़, नंबर वन, रिजल्ट काफ़ी हाई गया है इस बार। मैनेजमेंट और कॉमर्स की बात करें तो JRF हैज़ गॉन एज हाई एज 68%। हमने पूरी लिस्ट भी निकाली है, जो मैं बहुत जल्दी वेबसाइट पर डाल दूंगा, उसी लिंक में अवेलेबल होगा वो भी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि JRF की कट ऑफ कंबाइंड 68% गई है, और नेट की कट ऑफ 60% गई है, दोनों मैनेजमेंट और नेट, मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों में ही, विच इज़ वेरी हाई। लास्ट ईयर JRF की कट ऑफ 62% के आसपास थी। सो दिस शोज अस दैट द कट ऑफ हैज़ इंक्रीज बाई लीप्स एंड बाउंड्स। एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू, जिनका इस बार मैनेजमेंट से या फिर कॉमर्स से या फिर पेपर वन की वजह से क्लियर नहीं हुआ है, या फिर नेट हुआ है, JRF नहीं हुआ है, डोंट बी surprised or don't be disheartened with it, because cutoff काफ़ी ऊपर गई है। What you can do is अभी से तैयारी start करें। December का जो exam है उसमें ज़्यादा time नहीं है, 5 महीने लग जाते हैं। The problem is, अगर आपका net हो गया है, JRF नहीं हुआ है, तो आपको जो gap है वो fill करने में बहुत ज़्यादा effort लगाना पड़ेगा, because it's very difficult to fill that gap at times. 68% is very high, उसको cross करना इतना आसान नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो इसलिए पूरा कोर्स मैंने निकाला है NTA NET JRF का, जिसमें एक नए तरीके से कोर्स को बनाया गया है, विच इज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। सब्सक्रिप्शन बेस्ड में क्या है, आपको अगर कन्फ्यूजन है कि कोर्स लें ना लें, कोर्स फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने में पार्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड। पूरा सिलेबस तो ऑफकोर्स नहीं होगा, 5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर होगा, जिसका टाइम टेबल भी मैं ऑनलाइन वेबसाइट पर ही डालूंगा। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पे, होम पेज पे नेट JRF के कोर्स पर क्लिक करेंगे, तो यू विल बी टेकन टू दिस पेज, जहां पर NTA NET JRF के कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स के इंटरव्यूज़ हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की लाइफ होती है। एंड सेकेंडली, ये क्लासिक कोर्स और प्रो कोर्स दो डले हुए हैं। क्लासिक कोर्स 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का है। इसमें क्या होता है, आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 महीने आपका कोर्स चलेगा, 1 महीने बाद आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा आप 5 महीने तक, 6 महीने तक कर सकते हैं। 5 महीने हम कोर्स चलाएंगे, 6 मंथ में हम रिविज़न करेंगे मॉक्स के थ्रू। ऐसे ही आप 6 मंथ का भी ले सकते हैं। 6 मंथ्स का लेने में फ़ायदा क्या होगा कि आपको पर मंथ कम पे करना पड़ेगा, ऑल दो द पेमेंट विल बी टुगेदर। अब आप 6 महीने का एक साथ पे करेंगे, 6×500 3000, यहाँ पर आप 750 पर मंथ पे करेंगे, तो 6 मंथ्स के लिए 4500 हो जाएगा। तो इसलिए यू विल बी सेविंग 1500, यहाँ पर 1.5 टाइम्स आप पे कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको कन्फ्यूजन है, यू फील दैट यू माइट कम्प्लीट इट इन अ मंथ,
तो आप 1 month का लेके देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्स क्रिएट किया गया है। बट लेट मी अश्योर यू, कोर्स बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में बनाया गया है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव नेट क्लियर करना नहीं है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव JRF क्लियर करवाना है। दैट इज़ माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, उसको ध्यान में रख के कोर्स को बनाया गया है। तो ये आप 1 month, 3 month या 6 month दोनों का, तीनों का ले सकते हैं। paper 1 खाली अगर आपको लेना है दैट इज़ कॉल्ड क्लासिक कोर्स, और अगर paper 1 plus paper 2 दोनों लेना है जिसमें कॉमर्स, मैनेजमेंट और HRM तीनों बनाए गए हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ दीज थ्री, आपको कोई देर इज़ नो बाउंडेशन, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रो कोर्स। ओके, आप 10 days का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल के फ्री ट्रायल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, एंड थ्रू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से कोर्स क्रिएट किया गया है फॉर द नेक्स्ट 10 days। ओके, प्लीज़ लेट मी नो वट एवर योर रिजल्ट हैव बीन, पॉजिटिव हैं तो बताइए, वी वुड लाइक टू कॉल यू, आपके साथ इंटरव्यू करेंगे सो दैट यू आर एबल टू डिस्कस योर स्ट्रैटेजी एंड अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू इम्प्रूव थ्रू दैट। और अगर आपका नेट हुआ है, JRF नहीं हुआ है, देन गो विद द कोर्स एंड ट्राई एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, बिकॉज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इतना आसान नहीं रहा। अब ये 68% इज़ वेरी हाई, जिसको अचीव करने में बहुत एफर्ट लग सकता है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, जैसा भी रिजल्ट है आई एम वेरी श्योर आपका नेट या JRF क्लियर होगा और यू विल बी एबल टू टीच एज आई डू ऑनलाइन, यू कैन डू इट ऑफलाइन एज वेल बाय बिकमिंग अ लेक्चरर। All the very best guys, take care.